नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अलहिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। मनामा जुलाई स्वास्थ्य मंत्री जलीला बिंत अल सैयद जवाद हसन ने गल्फ द गल्फ सेंटर फॉर डिजीज प्राइवेट एंड कंट्रोल के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर पासी पेंटनन और उनके साथ आए प्रतिनिधि से मुलाकात की। मंत्री ने पुरानी और संक्रामक बीमारियों के प्रचार और रोकथाम के संबंधित सभी विकासों के तोलमेल बनाए रखने में गल्फ डीसीसी द्वारा निभाई गई भूमिका के महत्व को रेखांकित किया। मनामा जुलाई सीमा शुक्ल के अध्यक्ष शेख अहमद बिन हम्मद अल खलीफा ने किंग फहद कोजवे के जनरल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूसुफ बिन इब्राहिम अल अब्दान के साथ मुलाकात की। बैठक में उन विकास योजना और कार्यक्रम पर चर्चा हुई जिन्हें संगठन भविष्य और किंग फहद कोजवे के आगंतुकों की सेवा के लिए आधुनिक प्रौद्योगिक और उपयोग के माध्यम से लागू करना चाहता है। दोनों देशों के पर्यटन और वाणिज्य क्षेत्र का समर्थन करने में योगदान देता है और दोनों देशों के बीच आम हितों को बढ़ावा देता है। मनामा जुलाई दोपहर को कार्य प्रबंधक अवधि के दौरान किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए नागरिकों और निवासियों के लिए एक हॉटलाइन 3226572727 समर्पित की गई है। श्रम और सामाजिक विकास मंत्रालय में निरीक्षण और व्यावहारिक सुरक्षा के निदेशक मुस्तफ़ा अकील अब्दुल्ला अल शेख ने कहा कि जुलाई और अगस्त में दोपहर को 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर और सीधी धूप में काम करने पर प्रतिबंध सामुदायिक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain. From our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery. Fresh meat and fish. Fruits and vegetables. Sweets and snacks. Ready-to-eat foods. Dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर।
पहाड़ दरक रहे हैं, नदियां उफान पर है, देश भर में कई राज्यों में भारी बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। मुंबई पिछले भारी बारिश के कारण थम गई थी। असम में बाढ़ हाहाकार मचा हुआ है और अब तक 66 लोग की मौत हो चुकी है। उत्तराखंड में भी भारी बारिश के कारण हुई भूस्खलन के बाद कई जिलों का संपर्क अन्य जगहों से कट गया है। नेपाल और उत्तराखंड के बांधों से छोड़े गए लाखों क्यूकेंस पानी ने उत्तर प्रदेश के तराही और मैदान इलाकों में बाढ़ के रूप में कहर बढ़पाया शुरू कर दिया है। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान लगातार बारिश से कोसी, महानंदा, बागमती, गंडक, कमला बगाल और कमला सहित अन्य प्रमुख नदियां कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दक्षिण पश्चिमी मानसून की सक्रियता से देश भर में जल प्रलय होने की हालत में है। दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि गूगल पिन लोकेशन शेयर करना जनमन के लिए शर्त नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनामत के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं हो सकती है जिससे पुलिस लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नज़र रख सके और उसकी निजता में झांक कर सके। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला एक मामले में सुनवाई के दौरान सुनाया है जिसमें जनमत की उस शर्त को खारिज कर दिया गया है जिसमें आरोपी को पुलिस के साथ गूगल लोकेशन शेयर करने के लिए कहा गया था। मनामा 8 जुलाई मौसम विज्ञान निदेशालय ने कुछ बादलों और कुछ स्थान पर रेत उड़ने के साथ गर्म मौसम का पूर्वानुमान लगाया है जो आज रात आमतौर पर ठीक हो जाएगा। हवा उत्तर पश्चिम दिशा में 12 से 17 नोट, कभी कभी 20 से 25 नोट तक पहुंच जाती है जो आज रात 5 से 10 नोट तक भी कम हो सकती है। तेज हवाओं के लिए चेतावनी है। समुद्र की स्थिति 1 से 3 फीट अंदर और 3 से 6 फीट दूर। तापमान अधिकतम 42 सेल्सियस, न्यूनतम 31 सेल्सियस। आर्द्रता अधिकतम 70%, न्यूनतम 20%। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभरात्रि, सब्बा खैर।